पे सवाल खड़े कर रहा है, उस विपक्ष को भी समझने की जरूरत है भैया कि ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ, ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त इन लोगों ये लोग भी सरकार में थे। ऐसे हर एक दोषी को चिन्हित कर बिहार में हमारी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाते हैं। सवाल है भाई, जो विपक्ष, पहली बात तो मैं इस पे आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जा रहा, पर जो विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहा है, उस विपक्ष को भी समझने की जरूरत है भैया कि ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ, ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त इन लोगों ये लोग भी सरकार में थे। पर बहरहाल इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया है, ऐसे हर एक दोषी को चिन्हित कर बिहार में हमारी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाते हैं। पर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है सर, किशनगंज में डीओ को निलंबित किया गया है, शिक्षा विभाग किशनगंज का मामला है भाई। जिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वो भ्रष्टाचार से किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। जिस तरीके से किशनगंज की एक घटना सामने आई, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, ये उसी पहल के तहत है जहां पर करप्शन से कोई समझौता हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले दिनों में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां पर जो भी, भले वो निर्माण कार्यों को लेकर हो या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो, अधिकारी हो या जो भी व्यक्ति विशेष या कोई संगठन हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज अभिनंदन समारोह है, आप कहीं शामिल हो रहे हैं भाई? आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती भी है, ऐसे में हम लोग हर साल हाजीपुर में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आज इस बार दिल्ली में पार्लियामेंट में भी उनको लेकर एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया गया है। ये बीटो के तहत जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम चला रहे हैं, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत दिल्ली में पार्लियामेंट में भी ये कार्यक्रम है जहाँ पर कई देशों से NRIs इसमें सम्मिलित होंगे। तो हम हाजीपुर जाकर तुरंत हम वापस जाएंगे, दिल्ली में पार्लियामेंट वाले कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने के लिए हम वापस दिल्ली भी जाएंगे। पर बहरहाल इस क्रम में हाजीपुर से आते वक्त अगर समय मिलेगा तो जो NDA का कार्यक्रम है उसमें भी 5 मिनट हम सम्मिलित होने का प्रयास जरूर करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।